ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के चुनाव का आखिरी पड़ाव है। कुछ मिनटों बाद वोटिंग की लाइंस खत्म हो जाएंगी, रुक जाएंगी, थम जाएंगी, लेकिन जो लोग पोलिंग बूथ के अंदर है वो अपने मत का इस्तेमाल कर पाएंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सुबह से ही जानकारी दे रहे हैं और अब भी बिना देरी किए सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हुए जहां से हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको बता दें, दिल्ली से हमारे सहयोगी भावना सिसोदिया जुड़ी हुई है, प्रयागराज से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सुल्तानपुर से हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा जुड़े हुए हैं, प्रयागराज से विकास मिश्रा जुड़े हुए हैं। और लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं दिल्ली का। भावना, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके की तस्वीरें फिलहाल दिल्ली में आप देख पा रही हैं और कहां पर दिल्ली में कहां पर मौजूदगी, किस पोलिंग बूथ पर मौजूदगी है? जी, मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली के सिविल लाइन जो है वहां पर मौजूद हूं पोलिंग स्टेशन पर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पिंक पोलिंग बूथ है, जो कि यहाँ पर अब जो है मतदाता है, इक्का दुक्का मतदाता है, बस वही आ रहे हैं, उसके अलावा नहीं आ रहे हैं। अगर दिल्ली में पोलिंग की बात की जाए तो शाम 4 बजे तक जो है 46% जो है वोटिंग अभी तक हो चुकी है। उसके बाद की अभी के जो है आगे की जानकारी आनी बाकी है, क्योंकि 2-2 घंटे के क्राइटेरिया में जो है सारी जानकारी आती है। 46% वोटिंग हो चुकी है और महज कुछ ही देर में, आधे घंटे का समय बचा है जब पूरी वोटिंग खत्म हो जाएगी। जो पोलिंग स्टेशन के अंदर होंगे वो अंदर रहेंगे, बाकियों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। 6 बजे जो है पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही थी, अगर शाम 4 बजे तक की बात करें, जिस तरीके से 46% वोटिंग हुई है, उसका एक बड़ा असर जो है दिल्ली में गर्मी का कारण माना जा रहा है, क्योंकि कई लोग गर्मी के कारण अपने घरों से बाहर निकलते हुए नजर नहीं आए हैं। दोपहर के समय माना जाए तो पोलिंग स्टेशन एक तरीके से बिल्कुल खाली पड़े हुए थे, क्योंकि भीषण गर्मी का प्रकोप था। और दूसरी तरफ जो लोग दिल्ली का चुनाव, भावना देखिए, भावना दिल्ली का चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण चुनाव है, दिल्ली का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में उतारे हुए हैं, मनोज तिवारी, बासुरी स्वराज जैसे तमाम वो चेहरे जो जनता के बीच लोकप्रिय वो उतारे गए हैं। लेकिन आप सुबह से दिल्ली में कवर कर रही हैं, कवरेज कर रही है, जनता से आपकी बात हुई होगी, मतदाता से आपकी बात हुई होगी, मतदाता के वोटर्स के मुद्दे क्या है जो वो जहन में रख करके वोट देने पहुँच रहे हैं? जी, अगर जो मतदाताओं की बात की जाए तो जब न्यूज इंडिया की टीम ने मतदाताओं से बात करी तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई जो है वो एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, और कई महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर आई हुई थी, उनका भी यही कहना था कि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। वहीं एक अहम मुद्दा ये भी सामने आया था कि जब चुनावी प्रचार आता है तो कैंडिडेट जो है लोगों के बीच जरूर मिलते आते हुए मिलते हैं, लेकिन जब वो सीट जीत जाते हैं तो कोई भी जो प्रतिनिधि वो चुनकर लाते हैं वो प्रतिनिधि दिल्ली की जनता के बीच नहीं पहुंचता है, केवल वोट और वोट मांगने के लिए आता है। तो कहीं ना कहीं जनता, बिल्कुल भावना, आपका रुख वापस से करते हैं। इस बीच विकास मिश्रा हमारे साथ में प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। विकास, मेरा सवाल आपसे रहेगा, दिल्ली की सर्दी पर गाना बना है, फिलहाल रिकॉर्ड टूट रहा है गर्मी का, और मतदान को लेकर के भी रिकॉर्ड टूटता यहाँ नजर आ रहा है। दिल्ली तो फिसड्डी साबित हो गई वोटिंग में, प्रयागराज का क्या हाल है? टक्कर किसके किसके बीच और मुकाबला कितना खास, वोटिंग परसेंटेज कैसा? विकास, विकास अपना फ्रेम अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पर मत प्रतिशत लगातार, बिल्कुल बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बहुत दुरुस्त आ रही है, बोलिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इलाहाबाद लोकसभा सीट पर 41.6% दोपहर 3 बजे तक जिला निर्वाचन अधिकारी के आंकड़े के अनुसार मत प्रतिशत हुआ था, फूलपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 39.6% मतदान किया गया। दोपहर में ही मतदाता लगातार लाइनों में लगकर अपने जो सांसद हैं उनको चुनने के लिए बेताब थे। लगातार छुटपुट घटनाओं के बाद संगम नगरी प्रयागराज में मत प्रतिशत की ओर लगातार
जिला अधिकारी प्रयागराज ने वोटिंग करके मत प्रतिशत बढ़ाने की कवायद किए थे, जिसके बाद तमाम जो भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो पार्टियों के पॉलिटिकल बड़े लीडर थे, लगभग 11 ऐसे बड़े लीडर थे जिन्होंने अपने अपने बूथों पर मतदान किया, वो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री हों, कैबिनेट मंत्री हो, तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने अपने मतों का प्रयोग किया और स्वच्छ और निष्पक्ष सरकार चुनने की कवायद कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज के इलाहाबाद सीट पर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पिता पूर्व राज्यसभा सांसद रेवती रमण जो प्रयागराज के करेली थाना इलाके में एक छुटपुट घटनाओं को लेकर वहां पर पहुंचे थे, वहां पर पुलिस ने उनको हिरासत में लेकर थाने पर बैठाया है और तमाम चीजों को लेकर लगातार जो घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद जिला अधिकारी प्रयागराज नवनीत चहल ने साफ तौर पर बताया कि छुटपुट घटनाओं के अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो प्रयागराज के अंदर जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी आती हैं उसमें बीजेपी को कुछ में नुकसान हुआ था, सपा को कुछ में फायदा हुआ था, सपा अलायंस को कुछ में फायदा हुआ था। देखिए, हम इस समय जहां पर मौजूद हैं, ये फूलपुर लोकसभा क्षेत्र की सीट है, यहां पर बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहां से पहली बार सांसद चुने गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसके बाद उपचुनाव में जिस तरीके से उनको प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जब उनका चुनाव हुआ था यहाँ पर लोकसभा सीट पर, तो समाजवादी पार्टी से नागेंद्र सिंह पटेल यहाँ पर उपचुनाव में सांसद चुने गए थे, जिसके बाद केसरी देवी पटेल भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर वो सांसद चुनी गई थी, और अब जिस तरीके से इलाहाबाद और फूलपुर लोकसभा सीट पर दोनों सांसदों का वर्तमान सांसदों का टिकट काट कर ठीक है। विकास, आपने प्रयागराज का हाल तो बताया, अब हाल जानना जरूरी हो जाता है सुल्तानपुर का भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में चुनाव हो रही है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल सबसे महत्वपूर्ण है, पूर्वांचल की सीटें जीतना बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए तमाम दिग्गजों ने पूर्वांचल पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सुल्तानपुर से सहयोगी नीरज मिश्रा जुड़े हुए हैं। नीरज, सुल्तानपुर की कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, वोटिंग परसेंटेज क्या? देखिए, सुल्तानपुर का जो वोटिंग प्रतिशत है 3 बजे तक 45% है और 2019 में 55% के करीब था और इस बार भी कमोबेश यही जाने की उम्मीद है। अब अगर हम सुल्तानपुर के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो सुल्तानपुर में ये भी इतिहास है कि कोई भी सांसद 2 बार रिपीट नहीं हुआ और इस बार चुनौती रहेगी मेनका गांधी के लिए कि वो क्या इतिहास बना पाती हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने कभी सुल्तानपुर में जीत हासिल नहीं की है, 5 बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा है और उसके पहले लगातार कांग्रेस का 12 बार और बीच में 2 बार बसपा से भी सांसद रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी का यहाँ पे खाता नहीं खुला। लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर इंडी गठबंधन जो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है उसके बीच, और एक तरफ मेनका गांधी है। मेनका गांधी की जो छवि है वो स्ट्रिक्ट लेडी की है, एक मजबूत महिला की है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर काम भी किया है अपने काम के सहारे, उनके बेटे वरुण गांधी भी आखिरी समय में उनका प्रचार करने आए थे। कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत ही को मिल रही है, काम भी किया है, ये तो आपने बताया नीरज। लेकिन जनता से अगर बात की हो तो जनता ने क्या मुद्दे जहन में रख करके वोट डाला है, मुद्दे क्या है, लोकल मुद्दे क्या है? मैं देश के मुद्दों का जिक्र नहीं कर रही, सिर्फ सुल्तानपुर के लोकल मुद्दे क्या है। देखिए, लगातार न्यूज इंडिया 5 से 6 चरणों से लगातार आपके लिए पल पल की तस्वीरें लेकर के आ रहा है कि किस तरीके से आपका उत्साह है, किस तरीके से आपका उत्साह उदासीन है और किस तरीके से आप अपना उत्साह दिखाई नहीं रहे। लेकिन फिलहाल दिल्ली के जिस पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर देखिए मतदाता अभी भी आ रहे हैं वोट करने के लिए और जो शाम का वक्त है वो 6 बजने के करीब पहुंच गया है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि वोट करने के लिए अगर आप पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाएंगे समय से तो आपका वोट कास्ट होगा। और इसके अलावा देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से कितनी खूबसूरत यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं आप लोगों को आकर्षित करने के लिए। लेकिन सोचिए, चुनाव आयोग के ये तमाम प्रयास विफल होते नजर आ रहे हैं। भावना, मैं आपके पास आऊँगी। भावना, देखिए हम सुबह से ही ग्राउंड पर एक्टिव हैं, दिल्ली की अलग अलग सीटों पर एक्टिव हैं, अलग अलग लोगों से हमने बातचीत करी। आप जो हैं वो आम आदमी पार्टी को बहुत करीब से कवर करती हैं, ऐसे में आज जब आप पूरे दिन ग्राउंड पर रहीं तो आपको क्या रीजन नजर आया कि दिल्ली का वोट परसेंटेज इतना कम क्यों है?
चलिए आजमगढ़ का रुख करते हैं। राम विनय चौबे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राम विनय जी, क्या कुछ तस्वीरें साझा कर रहे हैं दर्शकों के साथ, क्योंकि दिल्ली का तो वोटिंग परसेंटेज बहुत स्लो है। देना चाहते हैं कि आजमगढ़ में आज छठे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और हमारे ठीक पीछे लगभग 6-7 बजे से यह मतदान प्रक्रिया चल रही है। शाम 6 बजे तक यह मतदान प्रक्रिया चलेगी और हमारे ठीक पीछे डीएवी डिग्री कॉलेज आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। आप देख सकते हैं पीछे हमारे की कितना खूबसूरत आकर्षक ये मतदान केंद्र बनाया है और सेल्फी पॉइंट की भी व्यवस्था की गई है और इलेक्शन कमीशन के द्वारा हर गाइडलाइन का पालन भी किया गया है। आजमगढ़ में अभी तक किसी प्रकार की कोई अराजकता भी सुनने को नहीं मिली, तो निश्चित तौर पर मतदान अभी सुचारू रूप से चल रहा है। शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगा। अगर हम यहाँ आजमगढ़ में जो मतदाता की बात करें तो लगभग 18 लाख मतदाता आजमगढ़ में अभी हैं मतदान करने के लिए, जिनकी मतदाता सूची में नाम है। लगभग 5 बजे के आसपास तक 52% मतदाता मतदान कर चुके थे। अब 1 घंटे समय, लगभग आधे घंटे का समय शेष बचा है। देखना होगा कि 6 बजे तक लगभग कितने परसेंट मतदाता मतदान करेंगे। अगर यहाँ के जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ आजमगढ़ में 9 उम्मीदवार अपने भाग को आजमाने के लिए मैदान में उतरे हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर जगह देखा गया है कि समाजवादी पार्टी के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। उसी प्रकार से आजमगढ़ में भी वही दशा है। आमने सामने जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देश निरहुआ जी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अब यहाँ आजमगढ़ जो कि कहा जाता है समाजवादी का गढ़ है, जो किसी से छिपा नहीं है और आजमगढ़ में जो एक यादव लैंड के भी नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के साथ जब सारम गुडू जमाली इनके साथ सपा में आ गए तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी को और भी मजबूती मिली है। आजमगढ़ में MY फैक्टर भी चल रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मजबूती मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी के सामने मुसीबत सी खड़ी होती नजर आ रही है। हमने कुछ मतदाताओं से भी बात किया तो उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर, ठीक है, आप पश्चिम बंगाल का भी रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में अगर वोटिंग की बात करें तो सबसे आगे पश्चिम बंगाल चल रहा है वोटिंग परसेंटेज में। वहां से सहयोगी जुड़े हुए रिक सुंदर सबसे आगे है पश्चिम बंगाल। क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं आप और वोटिंग परसेंटेज फिलहाल क्या है वहां का? जी हाँ, वोटिंग परसेंटेज देखिए, अभी मैं जिस बूथ पे खड़ा हूँ, दासपुर विवेकानंद हाई स्कूल, ये होता है घाटा लोकसभा केंद्र के अंदर में पड़ता है। यहाँ पे सवेरे से ही हम देख चुके हैं कि काफी लंबे कतारें थी और अभी जितना खबर मिल रहा है हम लोगों को कि अभी 5 बजे तक यहाँ पे करीब 80% पोलिंग हो चुका है। अभी कुछ देर बाद फाइनल कुछ रिजल्ट आने वाला है जिसमें देखा सकता है शायद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा ये परसेंटेज। फिलहाल अभी तो खाली देख रहे हैं हम, थोड़ा 1-2 जन करके वोटर आ रहे हैं यहाँ पे और इसके अलावा सारे पश्चिम बंगाल में जो अभी तक 5 बजे तक का जो खबर हम लोगों को मिला है 77.99% करीब 78% आ गया है। देखिए पांचवी जो दफा थी मतलब उसमें भी हम लोग देख चुके थे काफी भारी मात्रा में पोलिंग हो चुका है, इस बार देख रहे हैं और भी ज्यादा बढ़ रहा है और देखिए साथ में वायलेंस भी बढ़ रहा था, इस बार वायलेंस हम लोगों को भी ज्यादा देखने को मिला। तो एक ही साथ देखिए वायलेंस होते हुए भी लोगों में जो डर और खौफ जो है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम जो इतना बढ़ा दिया गया है और इतना अच्छा मूवमेंट किया जा रहा है सेंट्रल फोर्स को देकर, इसको देखते हुए वोटर निकल के आ रहे घर से बाहर में आके वोट दे रहे हैं। सुंदर देखिए वोटिंग के मामले तो रिक सुंदर देखिए सुनिए वोटिंग के मामले में भले ही पश्चिम बंगाल अब सबसे आगे चल रहा है, लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि जब भी हर चरण में चुनाव हुआ है या फिर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल से हिंसा से जुड़ी हुई खबरें हमें हर बार सुनने को मिली है, देखने को मिली है। क्या इस बार भी छठे चरण में भी पश्चिम बंगाल से कहीं से छुटमुट हिंसा की खबरें देखने को मिली, कहीं पर EVM बंद हो गई या फिर कहीं पर कार्यकर्ताओं में झड़प जैसी खबरें? जी हाँ, अभी देखिए EVM लूट का खबर तो कुछ नहीं था, लेकिन जितना खबर हम लोग को मिला था काफी सारे ऐसे सालतोड़ा में ऐसे सारे केंद्र था जहां पे लोग जा रहे थे वोटिंग देने के लिए, उन लोगों को रोका जा रहा था। किसी जगह में कोई जितने भी उम्मीदवार थे उन लोगों को रोका जा रहा था, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि अभिजीत गांगुली जो बहुत ही एमिनेंट एक उम्मीदवार है और उनको रोका जा रहा था नंदीग्राम के कुछ इलाका में। और इसके साथ साथ हम लोग देख चुके हैं प्रणव चुड़ू जो कि झाड़ग्राम वो अपना गढ़बेता एरिया में जा रहे थे तो उनको भी अटैक किया गया। ऐसे ही TMC की तरफ से भी आरोप लगाया गया था कि उन लोगों का भी जो एजेंट है उन लोगों को भी वहां पे बैठने नहीं दिया जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो एक दूसरे पर प्रत्यारोप हो रहा था। लेकिन ये जितना भी हो शांतिपूर्ण करने के लिए
इलेक्शन कमीशन लेकिन पूरे नजर रखे हुए थे सब पूरे क्षेत्र में। ठीक है ठीक है। रिक सुंदर, पश्चिम बंगाल में हाल ही में ममता बनर्जी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया, कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से फैसला लिया जाता आरक्षण को लेकर के। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि किसी भी कीमत पर कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, लेकिन वो फैसला नहीं मानेगी, ऊपरी अदालत में जाएगी। इस बयान के बाद राजनीति तो चरम पर है, लेकिन क्या वोटों पर भी असर देखने को मिल रहा है? ग्राउंड जीरो पर आरक्षण के मुद्दे का कितना इफेक्ट देखने को मिल रहा है जनता के बीच? तो रोज तो पहले से ही है, क्योंकि जितने भी वोटर हैं जिसको वो लोग वोट दे रहे हैं ये बड़ा इशू नहीं था, लेकिन वो लोग वोट देने के लिए घर से निकल आ रहे हैं, उन लोग का अपना कुछ बातें थे, वो लोग बता रहे थे कि उन लोगों को चाहिए जो भी नया सरकार हो वो उन लोगों का मांगे पूरी करे। तो हो सकता है कोई भी सरकार जो उन लोगों का मांगे पूरी नहीं कर पा रहे हैं उनको वो मांगे अपना पूरी करने के लिए निकल रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा था अनएम्प्लॉयमेंट और उसके साथ इंडस्ट्री। वेस्ट बंगाल में हम लोग अगर पिछले 5 सालों में देखें तो उस तरह से इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो इसको लेके हुए लोगों में रोष है। तो हो सकता है कि कुछ वोट टीएमसी के तरफ से कुछ दूसरे जगह से भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंडिया जोट के नाम पर जो भी हो रहा है यहाँ पे देखिए कांग्रेस और सीपीआईएम अपना कैंडिडेट दे रहे हैं, दूसरी और टीएमसी भी अपना कैंडिडेट दे रहे हैं। रेक सुंदर, आपने तमाम जानकारी साझा करी, लेकिन इस बीच देखिए हम चरण दर चरण की बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर अभी जितने भी चरण हुए हैं 6 चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन कोई भी ऐसा चरण नहीं जब हिंसा की खबर सामने ना आई हो। आज छठे चरण की अगर बात करें तो 2 से 3 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। जी बिल्कुल, आज का घटना सबसे बड़ी घटना है जहाँ पे प्रणव टूडू जिनका जो झाड़ग्राम के कैंडिडेट उनका सिक्योरिटी के सर पे चोट आया है, गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। देखिए ये जो घटना होता है ये एक होता है गड़बेता एरिया में, दूसरा हम जो बात कर रहे थे अभिजीत गांगुली उनका घटना हुआ नंदीग्राम और गड़बेता, ये सारे जो इलाका है हर बार को जब भी इलेक्शन आता है यहाँ पे आपको वायलेंस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे इस बार भी उसका व्यतिक्रम नहीं हुआ, यहाँ भी सेम घटना हुआ है इस बार। अब इसको किस तरह ठीक है ठीक है। रिक सुंदर आपका रुख वापस से करते हैं, इस बीच रुख करेंगे गुरुग्राम का जहां से एमी शर्मा हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। एमी क्या कुछ तस्वीरें गुरुग्राम के सामने आ रही हैं? क्योंकि देखिए गुरुग्राम को हरियाणा के सिर्फ साइबर सिटी नहीं कहा जाता, हब नहीं कहा जाता, बल्कि ये वो शहर भी है जहाँ की जो परेशानियां हैं वो बाकी हरियाणा से सबसे अलग हैं और यहाँ के सांसद के लिए भी उतनी ही बड़ी चुनौती है। नीरज हमारे साथ सुल्तानपुर से जुड़े हुए हैं, नीरज जुड़े हुए हैं सुल्तानपुर से। नीरज आपके पास में आऊंगी, एमी का ऑडियो हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। नीरज सुल्तानपुर में मेनका गांधी आज पूरे दिन मैराथन दौड़ लगाती नजर आई, माफ कीजिएगा मेनका गांधी लगातार मैराथन दौड़ लगा रही थी। इस बीच उनकी दौड़ का प्रतिफल सुल्तानपुर की जनता उनको देगी या फिर मौका किसी और को मिलने जा रहा है? देखिए ये चीज़ें तो 4 जून को ही पता चलेंगी, प्रत्याशी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं और आज मेनका गांधी लगातार फील्ड पर रही हैं। और इसके अलावा ये यहाँ का इतिहास है सुल्तानपुर का कि यहाँ से कोई भी प्रत्याशी 2 बार नहीं जीता, तो इस इतिहास को बदलने के लिए आज मेनका गांधी ने जमकर पसीना बहाया, जमकर मेहनत करी है। और साथ ही साथ आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 बार जीत चुकी है, हालांकि हर बार प्रत्याशी बदल जाता है, इस बार प्रत्याशी यहाँ से नहीं बदला है। मेनका गांधी के पहले वरुण गांधी यहाँ से सांसद थे और उसके पहले बसपा 2 बार जीत चुकी है, तो कुल मिला के 5 बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती है। अब यहाँ पर जो अगर कहा जाए जो राजनीतिक परिदृश्य की अगर हम बात करते हैं सुल्तानपुर के, तो सुल्तानपुर में इस बार इंडी गठबंधन ने पूरी तरह से घेरने के लिए पूरी प्रॉपर प्लानिंग करी, निषाद समाज के व्यक्ति को यहाँ से टिकट दिया जो कि
गोरखपुर से आते हैं और वहाँ से वो चुनाव भी लड़ते रहे हैं। हालांकि यहाँ पर उनको निषादों का समर्थन मिल रहा है और इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो निषाद मंत्री हैं निषाद पार्टी के संजय निषाद, उनको यहाँ पर भेजा था। तो काफ़ी रोचक और काफ़ी कहा जाए नेट टू नेट फाइट है, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अपने अपने वोटर्स को साधने के लिए पूरी तरह से दोनों इंडी गठबंधन हो या फिर मेनका गांधी हो और वरुण गांधी, जो कि अभी दो दिन पहले उनके चुनाव प्रचार में उतरे, तो हर तरीके से घेरने की कवायद हुई और किसी न किसी तरह अपने वोटर्स को जो भी सबसे ज़्यादा पोलिंग बूथ तक पहुंचा पाएगा जीत निश्चित तौर पर उसकी होगी। वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, ये एक चिंता की बात है, ये मेनका गांधी के लिए भी परेशानी का सबब है और इसके अलावा इंडी गठबंधन और साथ ही बसपा के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए भी। तो अधिक वोटिंग प्रतिशत, अधिक से अधिक मतदाता उनके पोलिंग बूथ तक आए तभी जीत संभव होती है। हालांकि इस बार भी जो मत का प्रतिशत है वो 56% के आसपास ही आ पाएगा और पिछली 2019 में भी 56% ही वोटिंग सुल्तानपुर में होगी। अब सुल्तानपुर का सुल्तान कौन बनता है ये 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन नीरज, अगर सुल्तानपुर की बात, सुल्तानपुर में वरुण गांधी का जब टिकट कटा तो वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद कुछ खेमों में काफी नाराजगी भी थी, जिनको सेटल करने में काफी ज्यादा पसीना बहाना पड़ा, वरुण और मेनका दोनों को ही। देखिए, वरुण गांधी का टिकट क्यों कटा था ये बात जग जाहिर है और वो लगातार सरकार को निशाने पर लेते रहे थे, शायद उनके मन में कुछ और चल रहा था, लेकिन आखिरी टाइम में जब उनका टिकट कटा, लेकिन टिकट उनकी मां को दिया गया तो इस बात से ये कहा जाए कि 50% नाराज़गी तो अपने आप खत्म हो जाती है। और रही बात सुल्तानपुर की, तो यहाँ पर मेनका गांधी पिछले 5 साल से सक्रिय रही है, लगातार मेहनत करी है, एक स्ट्रांग लेडी की उनकी एक इमेज रही है, साथ ही वो मंत्री भी रही हैं, लोगों से लगातार वो मिलती रही हैं। मेनका गांधी लगातार ग्राउंड जीरो पर मेहनत कर रही है, तस्वीरें भी सामने आ रही है और देखने को भी मिल रहा है, लेकिन 4 तारीख का इंतजार करना बाकी है, किसकी मेहनत रंग लाती है और किसकी मेहनत विफल हो जाती है। और चलिए इस बीच अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल से रिक सुंदर लगातार जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। रिक सुंदर, आपसे समझना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, देखिए आरक्षण का मुद्दा तो चरम पर है ही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को संतों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है और आज चुनाव के दिन ही ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान सामने आता है बीजेपी को लेकर के। ईवीएम बीजेपी के कब्जे में है, इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई और चुनाव के बीच में इस तरीके के बयान दे करके क्या ममता बनर्जी वोटर्स को लुभाने की कोशिश या फिर वोटर्स के मन को भटकाने की कोशिश कर रही है? देखिए, इस तरह का आरोप पहले से भी लगाया जा चुका है, जैसे कि हम लोग अगर 2019 के चुनाव पर देखें या उससे पहले, तो इस तरह का आरोप लगाया जा रहा था बार बार, जबकि हम लोग 2021 के चुनाव का जो फल आया था उसके बाद हम लोग ऐसा भी आरोप बीजेपी के तरफ से भी हम लोग को मिला था। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि ईवीएम को टेम्पर किया जा रहा है कि नहीं, वो अलग बात है। अब मुद्दा ये आता है कि राजनीतिक तरफ से वो लोग क्या चाहते हैं। अब ममता बनर्जी का जो कहना है उस हिसाब से अगर हम इसको देखेंगे तो उसमें अभी का जो माहौल है ये शायद उनके तरफ में नहीं है या उनके सपोर्ट में नहीं है, तो इसलिए हो सकता है उनका ये राजनीतिक अपना एक एजेंडा हो सकता है। इसमें अभी माहौल जो है इसमें देखा जा रहा है कि इतने कुछ होने के बावजूद भी लोग आ रहे हैं, वोटिंग दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को विश्वास है इलेक्शन कमीशन पे, उन लोगों का विश्वास है यहाँ का सुरक्षा कर्मियों पे, उन लोगों का विश्वास है वोटिंग मशीन पे, इसीलिए वो लोग अपना मतदान देने के लिए आ रहे हैं। अब रह गया जो रिजल्ट है, वो जब तक नहीं आता तब तक कुछ भी कहना। बहुत शुक्रिया रिक सुंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए और तमाम सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। देखिए, देश का सबसे बड़ा ये पर्व है, महापर्व है, लोकतंत्र का पर्व है, इसीलिए हम आपसे निवेदन करते रहते हैं कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, उंगली पर लगाइए स्याही और चिढ़ा दीजिए बगल वाले को जिसने नहीं लगाई उंगली पर स्याही और कह रहा है कि मैं मूर्ख हूँ, लोकतंत्र में योगदान नहीं दे रहा हूँ, और आप दे रहे हैं तो आप समझदार हैं, समझदारी दिखाइए, देश का मान बढ़ाइए। और देखिए, आज छठे चरण के लिए मतदान हो रहा था, 58 सीटों पर मतदान हुआ है और अब तकरीबन कुछ मिनटें बाकी है
सात से आठ मिनट बाकी है, तो अगर आपने अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया है, अगर आपने वोट नहीं डाला है, तो फौरन अपने घर से निकलिए, पोलिंग बूथ पर पहुंचिए और वोट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये है आपका अधिकार। और न्यूज इंडिया लगातार यही अपील कर रहा है कि लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़ करके खुशी के साथ हिस्सा लीजिए। फिलहाल इस खास पेशकश में, इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज इंडिया के साथ।